नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूपों की अगली कड़ी में मधु उकारांत नपुंसकलिंग। मधु मीन्स हो गया, मधु का मतलब है शहद, और ये इन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ऊ की मात्रा है, इन शब्दों के देखो ध्वनि ऊ ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और ऊ जो है ध्वनि उत्पन्न उकारांत बोला है, और नपुंसकलिंग का रूप है, नपुंसकलिंग का रूप है, ठीक है। जैसे फल होता है फलम फले फलानी, लेकिन ये क्या उकारांत है नपुंसकलिंग, इससे जो है इससे रिलेटेड जो है जो और शब्द होंगे जैसे वस्तु, ये भी नपुंसकलिंग है, लेकिन ऊ की मात्रा, इसके रूप भी मधु के शब्द की तरह बनेंगे। अश्रु माने आंसु, इसके शब्दों की जो है ध्वनि देखिए ऊ आ रहा है, ठीक है, इसके भी मधु शब्द की तरह, इसके उकारांत नपुंसक, इसके रूप भी ऐसे बनेंगे। तालु तलवा, ठीक है, इसके आंसू माने आंसू, इसके जो है इसका भी, और जो है तालु तलवा इसके भी, इसका मतलब है आंसू, ठीक है। इसके रूप जो है क्या बनेंगे आपका आश्रु के रूप क्या बनेंगे, आश्रु का मधु की तरह बनेंगे, वस्तु का भी तालु का भी, ये सभी उकारांत नपुंसकलिंग के जो है रूप भी इन्हीं की तरह बनेंगे, मधु शब्द की तरह बनेंगे। तो आइए हम आज मधु शब्द के, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास आती है मधु शब्द के शब्द रूपों में विभक्ति, और विभक्ति में क्या आता है विभक्ति, यहां पर होंगे वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन के बाद आएगा आपका बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। विभक्ति में प्रथमा द्वितीया, प्रथमा तृतीया, तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। अब देखिए यहाँ पर मधु शब्द है, देखिए मधु शब्द का क्या करना है आपको, पहला शब्द है मधु, तो देखिए मधु का, देखिए मधु है तो कैसे है आपको, मधु शब्द जो है पहला तो मधु रहेगा, ठीक है, मधु शब्द के हिसाब से। दूसरा नी याद करना है आपको, तीसरा आपको छोटे नी याद करना है, लेकिन अब इसमें क्या चीज है, इसमें बस थोड़ा से होता है, ये देखिए मधु, उसके बाद यहां पर आएगा मधु लगा दो यहां पर, लेकिन यहां पर क्या होगा बड़ू की मात्रा होगी मधुनी, ठीक है, मधु मधुनी मधुनी प्रथमा, मधु मधुनी मधुनी प्रथमा। द्वितीया में भी आपको क्या याद करना है, द्वितीया में भी वही होगा मधु, यही मधु है, दूसरे में भी नी है, क्या होगा नी, तो ये भी क्या लगाओगे इसमें मधुनी, क्या होगा मधुनी, मधुनी, हाँ दूसरे में भी मधुनी है, ठीक है, ये मधुनी हो गया। प्रथमा द्वितीय में एक जैसे बनते हैं मधु मधु मधुनी मधु, ये बड़ू की मात्रा है, ठीक है, इसमें क्या होगा बड़ू की मात्रा ध्यान रखें। द्वितीय विभक्ति बहुवचन, एक तृतीया, तृतीय में क्या होगा, यहां पर ना यूज हुआ, यहां पर भ्याम लिखा, आपको भ्याम याद करना है, ठीक है, और यहां पर भी ही, तो क्या होगा यहां पर मधुना, क्या हो गया ये मधुना, मधुना मधुभ्याम, मधु भ्याम, भ्याम लंग कर दिया और मधु लगा दिया, उसमें क्या लगा दिया उसमें मधु भ्याम, ठीक है, ना याद कर रहे ना भ्याम भी मधु भी, मधु भी याद कर लिया आपने, ठीक है। तो तृतीय में क्या हो गया प्रथमा मधु मधुनी मधु, बड़ू की मात्रा है मधु मधुनी मधु मधुनी
मधु मधुनी मधुनी मधुना मधुभ्याम मधुभी मधुना मधुभ्याम मधुभी। चतुर्थी, चतुर्थी में क्या चीज है आपको, चतुर्थी में क्या क्या याद करना है। चतुर्थी में ने क्या लिखोगे, ने ऐसे ने लिखना है, इसमें भ्याम ठीक है, और इसमें भ्याम, तो क्या हो जाएगा ने मधुने, क्या लिखोगे मधुने, मधुने क्या लिखोगे मधुने, मधुने इसमें भी वही होगा मधुभ्याम, क्या लिखोगे मधुभ्याम, मधुभ्याम इसमें क्या लिखोगे मधुभ्यः, मधुभ्यः हाँ ठीक है। मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी मधुना मधुभ्याम मधुवी तृतीय मधुनी मधुभ्याम मधुभ्य चतुर्थी। आवे पंचमी, चतुर्थी में मधुनी लगा मधुभ्याम मधुभ्य चतुर्थी ठीक है। अब इसमें न याद करना है ठीक है, ठीक है क्या हो गया न मधुनः हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मधुनः, इसमें वही तो सेम होता है भ्याम याद करना है सभी में ठीक है, इसमें भ्या याद करना है। अब आप इसमें क्या लगाओगे, इसमें मधुनः, क्या लगाओगे इसमें मधुनः, इसमें क्या लगाओगे मधुभ्याम, मधुभ्याम ठीक है, और इसमें क्या लगेगा मधुभ्य, मधुभ्यः ठीक है। मधु मधुनी मधुनी प्रथमा मधु, दोनों प्रथमा द्वितीय एक जैसे हो रहे हैं। मधु मधुनी मधुनी मधुना मधुभ्या मधु वितृतीया मधुने मधुभ्या मधुभ्या चतुर्थीया चतुर्थी मधुना मधुभ्याम मधुभ्य पंचमी, मधुभ्य पंचमी। षष्ठी, षष्ठी, षष्ठी में क्या होगा वही मधुनः, बिल्कुल सेम नह याद करना है, क्या याद करना है नह, ये देखो नह याद करते मधु लगा दिया ठीक है। और इसमें क्या हो गया नो ठीक है, और इसमें बस खाली यहां पर ना मधुना मधुनाम, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए इसमें बड़ू की मात्रा पर जो है द्वितीय बहुवचन में बड़ू की मात्रा ध में, और इसमें ध जो है बड़ू की मात्रा होती है षष्ठी बहुवचन में। बाकी सब में देखिए मधुनो, इसी चीज का ध्यान रखा मधुनो, क्या करा इसमें मधुनो हो, मधुनो हो, और इसमें ध्यान रखना बड़ू की मात्रा है मधुनाम, हाँ क्या होगा इसमें मधुनाम, मधुनाम षष्ठी। मधु मधुनी मधुनी बड़ू की मात्रा है बहुवचन में, प्रथमा द्वितीय एक जैसे है। मधु मधुनी मधुनी मधुना मधुभ्याम मधुवी तृतीय मधुने मधुभ्याम मधुभ्य चतुर्थी मधुना मधुभ्याम मधुभ्य पंचमी मधुना, ये देखो मधुना मधुनो मधुनाम षष्ठी, बड़ू की मात्रा ध्यान रखिए षष्ठी बहुवचन में बड़ू की मात्रा है। अवे सप्तमी, जैसे पितरी आ रहा था सप्तमी, तो इसमें नी आएगा छोटी की मात्रा नी, नी याद करना आपको, इसमें वही नुह ठीक है नुह, इसमें शु, अब क्या आएगा इसमें क्या क्या जुड़ जाएगा सब में मधु जोड़ दूं, क्या जोड़ दोगे मधु, क्या जोड़ दोगे मधु, मधुनो हो, हा मधुनो, और इसमें मधुनु मधुशु, हा क्या हो गया इसमें मधुशु, मधुशु ठीक है। मधुनी मधुनो मधुशु सप्तमी, संबोधन,
संबोधन में दो शब्द होंगे इसमें। देखिए संबोधन में, जिसमें संबोधन में क्या होगा, हे मधु, ठीक है, या हे मधु लिखोगे, दोनों में से एक लिख लो कोई भी, ठीक है। प्रथमा द्विवचन वाली हे मधुनी, प्रथमा द्विवचन में जो है वही लिखना है इसमें, तो ठीक है। और बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में जो है वही लिखना है। अभी प्रथमा बहुवचन में क्या है, या द्वितीय बहुवचन में हे मधुनी, ठीक है। तो देखिए प्रथमा द्विवचन, प्रथमा और द्वितीय एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्या मधुभी, मधुने मधुभ्या मधुभ्य चतुर्थी, मधुना मधुभ्या मधुभ्य पंचमी, मधुना मधुनो मधुनाम। ये देखिए मधुभ्य है, थोड़ा डार्क कर दू, मधुभ्य, ठीक है, मधुभ्या, भ्या याद कर लो आप तो आपको याद हो जाएगा, मधुभ्य, ठीक है। देखो तो ये कौन है, ये तीनों एक जैसे हैं, और ये एक जैसे हैं, ये देखो मधुनी भी ये एक जैसे। देखिए ये डार्क का थोड़ा, मधुभ्याम, तीनों एक जैसे है, मधुभ्याम, भ्याम याद कर लीजिए और आपको याद रहेगा मधुभ्याम, ये भी याद कर सकते हो मधुभ्याम, ठीक है। मधुनी प्रथमा द्विज द्वितीय एक जैसे हैं सारे, ठीक है। ये देखो एक जैसे है, मधु मधुनी मधुनी, यहाँ पर देखो बड़ू की मात्रा होती है, ध्यान रखना, मधु मधुनी मधुनी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यहाँ पर बड़ू की मात्रा, ठीक है। मधुनी मधुना मधुभ्या मधुभी, मधुभी है ये। देखिए ये थोड़ा सा डार्क करते हैं इसको, ये मधु है, दोनों है एक जैसे, मधु, और ये भी मधु है। प्रथमा द्विवचन एक वचन, प्रथमा एक वचन और द्वितीय एक वचन, दोनों एक जैसे हैं, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है, दोनों एक जैसे हैं, मधुनी मधुनी है, और यहाँ पर भी क्या है, मधुनी, बड़ी की जो है छोट, बड़ी की मात्रा है नौ में, बड़ी की मात्रा है नौ में, यहाँ पर जो है जो धाम है बड़ू की मात्रा है, मधु मधुनी मधुनी प्रथमा, मधु मधुनी नौ में बड़ी की मात्रा, धाम है बड़ू की मात्रा है, मधुनी मधुना मधुभ्या मधुभी तृतीया, मधुने मधुभ्या मधुभ्य चतुर्थी, मधुना मधुभ्या मधुभ्य पंचमी, मधुना मधुनो मधुनाम षष्ठी, मधुनी मधुनो मधुषु सप्तमी, हे मधु या हे मधो, हे मधुनी, ये देखो ये दोनों सेम है, प्रथमा द्विवचन और संबोधन द्विवचन, और ये प्रथमा बहुवचन और संबोधन द्विजय बहुवचन जो है एक जैसे हैं। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा है, ये दोनों सेम है, पंचमी वचन षष्ठी वचन और षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन एक जैसे हैं, ठीक है। ये आप तीनों ये जो है एक जैसे हैं, ये कर सकते हैं, कर सकते, याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, मधु मधुनी बड़ी की मात्रा, मधुनी इसमें जो है ध बड़ी बड़ू की मात्रा या नौ में छोटी की मात्रा, ये ध्यान रखना है। प्रथमा और द्विवचन एक जैसे होते हैं, प्रथमा और द्वितीय में एक वचन जो है, एक वचन द्विवचन बहुवचन एक जैसे होते हैं। मधुना, ना याद करना है, मधु सेम है, सब में मधु लगाना है। देखिए यहाँ पर नी याद करना बड़ी, यहाँ पर क्या है, बड़ू की मात्रा का ध्यान रखना है और नी याद करना है, ना ने भ्याम भ्याम, भी ही याद करना, मधु बाकी सेम लगाना है, भ्या भ्या, ठीक है, मधु भ्या, ठीक है। यहाँ पर भ्याम भ्याम तीनों में याद करना, मधु लगा दो, यहाँ पर न है मधु लगा लो, यहाँ पर नी मधु लगा दो मधु, यहाँ पर नोहू मधु लगा लो, यहाँ पर नोहू मधु लगा लो, ठीक है। यहाँ पर नाम है तो बड़ू की मात्रा, यहाँ ध्यान रखना, बड़ू की मात्रा क्या होती है,
बहुवचन में होती है, प्रथमार्ध द्विवचन के ध में बड़ू की मात्र होती है, षष्ठी बहुवचन में भी बड़ू में जो है क्या होती है, बड़ू जो है मतलब जो है ध में बड़ू की मात्रा है। बाकी यहाँ पर सु है, सप्तमी बहुवचन मधुशु, ठीक है। तो मधु मधुनी मधुनी छोटू की मात्रा है, ध में बड़ू की मात्रा है, न में छोटी की मात्रा है, प्रथमा द्वितीय एक वचन है। मधुना मधुभ्या मधु भी तृतीया, मधुने मधुभ्या मधुभ्य चतुर्थी, मधुने मधुभ्या मधुभ्य चतुर्थी, मधुना मधुभ्या मधुभ्य पंचमी, मधुना मधुनु मधुनाम षष्ठी, मधुनी मधुनु मधुषु सप्तमी, हे मधु हे मधु हे मधुनी संबोधनम। और इससे जो है, इससे पहले वाली उकारांत पुरलिंग और उकारांत स्त्रीलिंग का जो है आप वीडियो भी आप जो है प्ले लिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।